सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू डीजे स्मार्ट टिप्स। यार मेरे इस चैनल पर बहुत ज़्यादातर ये कमेंट आते हैं कि यार आप अपनी वॉइस को किस तरीके से एडिट करते हो जिससे कि यार हमको यार आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज हमको देखने को नहीं मिलता है। तो यार आज की वीडियो पूरी इसी चीज़ के ऊपर डेडिकेट होने वाली है कि आप अपने फ़ोन से आपकी वॉइस को किस तरीके से एडिट कर सकते हो और साथ ही साथ में आप जो है सो अपनी यहाँ पर वॉइस है उसको रिकॉर्ड भी कर पाओगे। तो वो सब कुछ आज की वीडियो में बताऊँगा और प्रोफेशनली आप जो है अपनी वॉइस को एडिट कर पाओगे। और उसके साथ में मैं आपको एक चीज छोटी सी बात बता दूं कि यार मैं अपनी वॉइस को एडिट नहीं करता हूं, लेकिन मैंने नए यूट्यूबरों के हिसाब से सोचा कि यार हाँ, नए यूट्यूबरों के पास में ना ही तो अच्छा खासा माइक होता है, ज्यादातर जने जो है अपने कैमरा जो अपना यहाँ पर फोन समझ सकते हो तो फोन से ही अपनी जो है यहाँ पर वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद में यार बहुत ही ज्यादा इनको प्रॉब्लम आती है बैकग्राउंड नॉइज के कारण। तो आज की इस वीडियो को मैं बनाने का कारण यही था। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर देना। आज की वीडियो में कोई भी लाइक एम नहीं दूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तभी आप लाइक करना और कमेंट भी तभी करना, ठीक है। तो अब जो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपनी वॉइस को एडिट कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप धीरे बोलते हो, मतलब धीरे आवाज में धीरे की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप ऐसे बोलते हो कि आज की इस वीडियो में अपन ये सब कुछ बताने वाले तो ये फास्ट हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आप जैसा बोलते हो, लाइक यार मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उसी तरीके से जो है वॉइस रिकॉर्डर भी काम करेगा, लेकिन उसके साथ में जो नॉइज होती है, बैकग्राउंड नॉइज होती है, अगर आप थोड़े से धीरे बोल रहे हो उसका वॉल्यूम तेज हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां पर एडिट कर सकेंगे अपन। तो अब जो अपन फोन की तरफ चले जाते हैं। तो यार यहाँ पर आपको सबसे पहली एप्लीकेशन मिल जाती है जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, नाम आपको दिख ही रहा है स्क्रीन के ऊपर, तो आप सिंपली वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या यार आपकी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन है ना ही एडिटिंग एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन होगी एडिटिंग एप्लीकेशन, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। साइड में आपको एक माइक देखने को मिला, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपकी यहाँ पर वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप केवल इसको वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए स्टार्ट यहाँ पर यूज़ करोगे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। अब अगर आपकी आवाज़ बिल्कुल धीरे है तो नीचे एक आपको डायलर दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसको आप जैसे आगे की तरफ लेते हो तो आपकी आवाज़ भी तेज हो जाएगी। और अगर आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तीखी है तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर कम कर सकते हो, या फिर आपको यार एडजस्ट करके देखना है कि किस तरीके से आपकी आवाज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। वैसे तो यार आपका जो वॉइस एडिटर है अगला एप्लीकेशन, वो आपका वैसे भी आवाज़ को अच्छा कर लेगा, तो उसके लिए अपन को जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके आप और भी कुछ मत करना, केवल यहाँ पर वॉइस रिकॉर्ड करना, उसके बाद में अपनी मेमोरी में अपनी वॉइस को जो है सेव कर लेना। इस प्रकार की अपन को वॉइस देखने को मिलती है लास्ट, तो आप यहां पर सेव कर लेना। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन भी आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है, तो नाम दिख रहा होगा, अंदर जाकर देखें तो बहुत ही जहां पर सिंपल इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, यहां से आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर पाओगे, तो यह चीज बहुत अच्छी लगी मुझे। तो यहां से आप करना मत वॉइस रिकॉर्डिंग, क्योंकि आप अलग से करोगे तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहां पर मैंने यहीं से वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, वरना आप यहां पर इंपोर्ट भी कर सकते हो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, अब मेरा खत्म हो गया वॉइस रिकॉर्डिंग, बोलना खत्म हो गया। तो यहां पर आप देख सकते हो कि साइड में हरा हरा यहां पर ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या इसका मतलब यह है कि यार अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो अब यहां पर खत्म होने के बाद में जब इसको अपन ऑफ करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। तो अब जो है आप यहां पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके का है। अब यहां पर थ्री डॉट पर आप क्लिक करोगे और यहां पर इफेक्ट में अगर जाते हो तो यहां पर आप एडिटिंग का फर्स्ट चीज होती है नॉर्मलाइज, तो नॉर्मलाइज यहां पर आप कर सकते हो। उससे क्या होगा ना, आपकी आवाज बिल्कुल ही, मतलब यार सच बता रहा, जैसे कि अपन बात करते हैं ना सिंपली किसी से बात करते हैं, उस प्रकार की आवाज हो जाएगी, ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। मैंने इस एप्लीकेशन को सही से यूज़ किया है, इसीलिए मैं आपके सामने रिव्यू ला रहा हूँ, कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं लिए मैंने इसकी, इसी कारण से मैं आपको बिल्कुल सही से यहाँ पर इसका बता रहा हूँ। अब जो है यहाँ पर अपन नेक्स्ट स्टेज के ऊपर अगर अपन जाना चाहें तो उसके ऊपर भी अपन जाते हैं, उसके लिए भी अपन को यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना पड़ेगा एंड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, और नीचे होता है यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाना ना, तो नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर जो भी बोलते हैं इसको नॉइज़ रिडक्शन, वो उस पर अपन को क्लिक कर देना है। और यहाँ पर इसको अपन ऊपर नीचे करके देख सकते हैं कि किस तरीके का ये चीज़ है। तो यहाँ पर अप्लाई जैसे आप करते हो, वैसे थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेसिंग में टाइम लेगा क्योंकि सही से ये देखता है, और उसके बाद में आपके यहाँ पर देख सकते हो कि बिल्कुल यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज़ ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करके एक बार इसको यूज़ ज़रूर कर सकते हो। एंड होने के बाद में यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको नाम लिख सकते हो अपनी इस वॉइस का, फाइल के अंदर आप सेव करना किसी भी, तो इसमें आप, मैं अभी कुछ भी नाम लिख देता हूँ, उसके बाद में कोई भी एक फाइल सेलेक्ट करनी है उसके अंदर आपकी वॉइस सेव हो जाएगी। तो भाई यार यही थी वीडियो। अगर आपको यार यहाँ पर अगर आप नए यूट्यूबर हो, आप माइक के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहते हो, तो आप इन दोनों का काम में ले सकते हो। उसके बाद में अपनी यहाँ पर वॉइस को भी आपको सुधारना चाहिए, बोलने का तरीके को सुधारना चाहिए, फिर आपकी यहाँ पर वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बन जाएगी इन तीनों चीज़ों से। तो भाई यार यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना इस वीडियो को।
सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहूँगा। तो यार बाय।